दोस्तों, वेलकम टू माय आरजी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। हर बार की तरह आज हम डिजिटल इंक्यूबेटर की वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा डिजिटल इंक्यूबेटर। ये MS का बना होता है। माइस्टील इसकी जो बॉडी है ये MS की है और ये उसका डोर है। ये जो आप इसके अंदर की बॉडी देख रहे हैं ये SS है। इसकी दो ट्रे हैं। ये इसका डोर देख रहे हैं आप, ये SS है। ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का मतलब ये है कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। अब देखते हैं, ये इसकी स्क्रीन है जहां पे आपको बटन्स दिए गए हैं। ये सेट का बटन है, ये डाउन का बटन है, ये अप का बटन है और यहां से एंटर। ये हम इससे अपने टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ है, ये मेंस है, ये लोड है। तो आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इंक्यूबेटर क्या है? इंक्यूबेटर है कि जो हमारा कल्चर है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाइस है, इसको इंक्यूबेट करता है। ये थर्मोस्टेट है, तो ये क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, क्योंकि लैब में हमें ये सारी चीजें कंट्रोल में चाहिए होती हैं, तो ये उसकी कंट्रोल कंडीशन को प्रोवाइड करेगा। ये आप जो देख रहे हैं ये SS और ये थर्मोस्टेट बना होता है, जो इसकी ये इसका जो डोर है ये एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो आइए अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। गाइस, अब हम इसको ऑन करेंगे। ये हमने इसको ऑन कर दिया है, भी ऑन हो रहा है। ये जो इसका ये जो सेट का बटन है, पहले हम सेट का बटन दबाएंगे, फिर इसके हम टेम्परेचर को सेट करेंगे। इसको अप हम कर सकते हैं और इससे इसको डाउन कर सकते हैं। सो हमने इसको क्या है 33 पे सेट किया है। अब अंदर हम एंटर करेंगे। अब इसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो 23 है। जब ये 33 पे हो जाएगा तो ये ऑटो कट हो जाएगा। सो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।